लोजपा में टूट के बाद से चिराग पासवान का एक इंटरव्यू सामने आया। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया और आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की बात कही, तमाम चीजों को लेकर कहा। लेकिन इसी बीच अब इन सब मुद्दों को लेकर एक बार फिर से वह जेडीयू के निशाने पर आ गए हैं। आरक्षण का मुद्दा देश में हमेशा बहुत ही गरमाया हुआ रहता है और ऐसे में जब एक बार फिर से जहां लोजपा में टूट हुई और इसी बीच चिराग पासवान आरक्षण को लेकर जिक्र कर रहे थे, इसी बीच अब जेडीयू के नेता के निशाने पर आ गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर चिराग पासवान को चेता दिया है। क्या कुछ कहा पहले आप सुनिए। भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि पिछले पायदान पे खड़े लोग, पिछड़ा समाज के लोग या आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग साधन संपन्न नहीं है, उन्हें मौका मिल सके, वो आगे आ सके। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी समाज के हर एक वर्ग के लिए बिहार में काम किया है, लेकिन चिराग पासवान जी की तरफ से ऐसी बयानबाजी सिर्फ पॉलिटिकल टीआरपी लेने के लिए है। अगर वो सचमुच इस बात को मानते तो आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं, सारे चीजों का लाभ क्यों उठाते हैं? आपको तो आगे आकर इन चीजों का लाभ नहीं उठाना चाहिए था, आपके पास तो साधन और पैसों की कोई कमी नहीं है। चिराग पासवान जी ने इस तरह की बयानबाजी लगातार चुनाव में भी की थी नीतीश कुमार जी के खिलाफ। क्या हश्र किया जनता ने चुनाव में, सबके सामने है, और अभी भी अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो सचमुच राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आपने सुना, जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरक्षण जो घोषित किया गया था, आरक्षण जो लागू किया गया था, वह पिछड़ों को सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन अब चिराग पासवान जो है वह आरक्षण पर अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आरक्षण का फायदा वह नहीं ले, अगर उनमें इतना ही हिम्मत है तो बिना रिजर्व सीट से वह चुनाव लड़े। रिजर्व सीट पर क्यों चुनाव लड़ने जाते हैं, तमाम तरह की बातें अभिषेक झा ने कही है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि संभल जाए, नहीं तो जिस तरीके से वह बयानबाजी कर रहे हैं उनका राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो लगातार चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में हैं और लोजपा में टूट को लेकर लगातार अपने जो बयानबाजी है, उनका जो बयानबाजी है वह जारी है। पशुपति पारस को लेकर खुलासा कर रहे हैं, एक के बाद एक अपने भाई प्रिंस राज को लेकर भी खुलासा कर रहे हैं, और इसी बीच अब आरक्षण को लेकर जो उन्होंने कहा है इसको लेकर जेडीयू के निशाने पर आ गया। अभिषेक झा ने जमकर उन्हें फटकार लगा दी है और चेता दिया है कि अभी भी संभल जाएं, जिस तरीके से लोजपा का हस्न होता जा रहा है वह सब चिराग की वजह से ही होता जा रहा है। आपको पता है कि लोजपा में टूट हुई उसके बाद से जेडीयू की तरफ से बार बार ये आरोप लग रहा है कि ये सब चिराग की वजह से ही हुआ है। चिराग ही बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, तानाशाही व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से आज लोजपा दो भागों में बट चुकी है। वहीं जिस तरीके से चिराग पासवान हमेशा से नीतीश कुमार को निशाने पर लेते रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से जो आरक्षण का मामला उठा है तो अब जेडीयू ने चिराग पासवान को निशाने पर ले लिया। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।